कपिल पाटिल जी को आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। ना वो कभी सत्ता के लोभी रहे, ना कभी उन्होंने कोई ऐसा ऐशो आराम चाहा। वो चाहते थे तो कुछ भी बन सकते थे, मगर समाजवादी विचारों पर अटल निष्ठा और लोकतंत्र पर विश्वास, इन दो बातों पर उन्होंने हमेशा निर्णय लिया। जब उन्होंने निर्णय लिया तो उन्होंने एक सबसे बड़ी बात की, वो बात की साझी विरासत। लोग समझ नहीं रहे थे क्योंकि जो जिस तरह की तानाशाही अब देश में है, इसका मुकाबला हम कैसे करें। जब लोग कहते हैं लोकतंत्र पर खतरा है, तो इसका मतलब क्या होता है, किस पर हमला है? क्योंकि मोदी जी की बात एक अलग तरह की बात है, आम आदमी समझ नहीं जाता। अगर जिस तरह का फांसीवाद इस सरकार ने लाया है, इस फांसीवाद को यदि सही मायने में किसने समझा होगा तो आदरणीय शरद जी ने समझा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर केवल हमला नहीं हुआ है, हमारे साझी विरासत पर हमला हुआ है। जब हम उना की बात करते हैं, सहारनपुर की बात करते हैं, जब हम रोहित एबुला की बात करते हैं, जब हम मोहम्मद अखलाक की बात करते हैं, तो मतलब इसका यह होता है कि लोकतंत्र पर केवल हमला नहीं, हमारे साझी विरासत पर हमला है। और इसीलिए दो शब्दों में उन्होंने कहा कि संविधान को बचाना है तो साझी विरासत को भी बचाना है। और इसीलिए आज हमने निर्णय लिया है, हम सब पर मिलकर आए। लोग कहते थे कैसे आएंगे, जो फकीर है उसके साथ कौन जाएगा। लोग सत्ता के साथ खड़े रहते हैं, जिनके पास सत्ता है, ताकत है, पैसा है, उनके साथ लोग जाते हैं। शरद जी के पास सत्ता नहीं है, उस तरह की कोई ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, मगर शरद जी के पास आज लोकतंत्र बचाने का जो जज्बा है, साझी विरासत को बचाने का जो इनकलाब है, उसके लिए हम उनके साथ हैं। इस पार्टी का नाम लोकतांत्रिक जनता दल होना और इस पार्टी का रंग हरा और नीला होना, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से लेकर महात्मा फुले जी से लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी तक, शाहू महाराज जी से लेकर जयप्रकाश नारायण जी तक, इस विरासत को हम आगे साथ लेके जाना चाहते हैं। मगर एक इस तरह की जब लड़ाई हम कर रहे हैं कि जब हमारे पास तो पैसा होगा ना साधन होगा, फिर भी इतनी बड़ी ताकत से, इतनी बड़ी तादाद से आज आए हैं, इसका मतलब है कि लोग लड़ना चाहते हैं। पर जिसके सामने हमारी लड़ाई है वो फांसीवाद कोई हिटलर या मुसोलिनी का फांसीवाद नहीं है, ये फांसीवाद नथुरामी फांसीवाद है, जिन्होंने गांधी जी पर गोली चलाई थी और इस देश के लोकतंत्र को साझी विरासत पर पहला हमला बोला था। वही लोग हुए हैं जिन्होंने गांधी जी पर गोली चलाई थी, उन्होंने ही गौरी लंकेश पर गोली चलाई, उन्होंने ही पानसरे जी पर गोली चलाई और उन्होंने ही डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी पर गोली चलाई। इन्होंने ही भारत के सभी किसानों पर आज संकट पर डाला है। सबसे ज्यादा किसानों की खुदकुशी आज ये हो रही है, इसका कारण इस सरकार की विफलता है। इस सरकार ने कहा था हम रोजगार देंगे, हर जेब में 15 लाख देंगे, ना 15 लाख मिले, ना रोजगार का 15 लाख का रोजगार पैदा हो चुका है। इन्होंने केवल व्यापारियों का, बड़े भटवलदारों का, बड़े निजी जो पूंजीपति है उनकी बड़ी धन की है, ना गरीब लोगों का उन्होंने साथ दिया। बातें बड़ी करते हैं पर इनके सामने यदि लड़ाई में लड़नी है तो एक नया पर्याय खड़ा करना पड़ेगा, और वो पर्याय है, वो पर्याय है लोकतांत्रिक जनता दल। ये विकल्प है लोकतांत्रिक जनता दल। आदरणीय शरद जी, आज हम आपके साथ हैं। इस देश की करोड़ों जनता जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, अगर वो चाहती है, उनमें जज्बा है कि आप आगे आइए। जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी ने बुलाया था हम सब लोगों को और लोकतंत्र बचाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया था और जनता पार्टी बन गई थी, जिस तरह से डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था, उसी तरह से आज देश के सामने, आज आप, पूरा देश आपको देख रहा है, आप देश के नायक हैं, आप आगे बढ़िए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, सब लोग एक आवाज से कहते हैं यदि शरद जी हैं, शरद यादव हैं, तो कोई विकल्प बन सकता है। साझी विरासत को बचाने के लिए साझा विकल्प बनाने की जरूरत है, और साझा विकल्प बनाने के लिए भी जरूरत है शरद जी के नेतृत्व की। मैं इन शब्दों के साथ शरद जी यादव जी के नेतृत्व का, उनके प्रेरणा का सम्मान करता हूँ और आप सबके तरफ से उनका सलाम करता हूँ। और हमारे आज स्थापना सम्मेलन का के अध्यक्ष तारिक अपने अली अनवर जी ने सही शब्दों में कहा कि फतेह सिंह है,
तो हमारी फतेह होने वाली है, ये देश की जनता की फतेह होने वाली है, गरीब करोड़ों गरीब जनता की किसानों की फतेह होने वाली है। और सभी किसान आंदोलन की तरफ से, नारायण की तरफ से, हमारे सुशीला ताई जो इस पार्टी की महासचिव है, उनके नेतृत्व में हम आपके साथ देंगे और इस लड़ाई को आगे जाएंगे। इसी शब्दों में मैं मेरे बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।